नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। राग वृंदावनी सारंग का ही, लेकिन इस बार ध्रुपद लेके आया हूँ। ध्रुपद का ट्यूटोरियल आपको बहुत कम जगह पे देखने के मिलेगा। मैं आपके सामने 12 मात्रा के चौताल में ध्रुपद गाकर और बजाकर उसकी नोटेशन भी आपके सामने गाकर आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। जो लोग वोकल वाले हैं ये भी ये सीख सकते हैं, और फ्लूट या तो कोई और भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं तो वो लोग भी ये सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा राग है वृंदावनी सारंग, और इसमें ये ध्रुपद है। जब ख्याल गायकी अस्तित्व में नहीं आई थी उस वक्त तक भारत में, खास करके उत्तर भारत में, ध्रुपद का ही ज़्यादा चलन था। आजकल भी कई जगह पर ध्रुपद गाए जाते हैं, खास करके हवेली संगीत। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का जो हवेली संगीत है, इसमें ध्रुपद और धमार की गायकी आज भी बहुत प्रचलित है। और हवेली में दर्शन के टाइम पर सुबह और रात को हर वक्त आठों समय ये ध्रुपद गाए जाते हैं। तो ये ध्रुपद 12 मात्रा के चौताल में होता है। इसके साथ रिदम में पखावज या तो मृदंगम बजाया जाता है, और बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी दुगुन तिगुन और चौगुन की लयकारी करते हुए गाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। मैं आपको अभी सिंगल लय में सिखाऊंगा कि ये कैसे गाते बजाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये है स्केल काली 5 यानी ए शार्प। चौताल में शुरू करूंगा 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड में, 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड, और चौताल 12 मात्रा का है। तो पहले इसको शब्दों में और बांसुरी पे सुन लेते हैं, फिर इसकी एक एक लाइन नोटेशन सीखते हैं कैसे गाया बजाया जाता है। Bye.
सकते हैं कैसे गाय बजाई जाती है। ये राग वृंदावनी सारंग में चौताल में 12 मात्रा के चौताल में ध्रुपद है। तो राग वृंदावनी सारंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं, ये 5 स्वरों वाला औडव जाति का राग है, जिसमें ग और ध पूर्णतया वर्जित है। आरोह है सारे म पनीसा और अवरोह है सानी पमरेसा। आरोह में शुद्ध नी लगता है और अवरोह में कोमल नी लगता है। इसके बाद ही संवादी है रे और प, और गायन का समय है दोपहर का, और ये चंचल प्रकृति का और भक्ति प्रधान राग है। तो अभी इसकी ध्रुपद की पहली लाइन देखते हैं। धन धन वृंदावन रे सा रे नी सा रे सा रे नी सा। से रे लेना है, रे सा म रे पा म रे सा ध न ध न गो कु ल। रे सा रे पा म रे सा। तीसरी लाइन जमुना के तट पर निसा मरे मम पप मनी प। जमुना के तट पर लास्ट लाइन कदम की छाई रे नी नी प म रे रे म प प म रे नी नी प म रे रे म प प म रे। कदम की छाई रे धन अंतरा देखते हैं। धन गोपी ग्वाल बाल म प निसा 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 सा। फिर से म प निसा 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 सा। धन गोपी ग्वाल बाल म प निसा 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 सा। अंतर की दूसरी लाइन धन वो गुंज माल सा निसा रे म रे सा निसा नी प सा निसा रे म रे सा निसा नी प। आगे धन मुरली म म रे म प नि प नि सा नि रे सा। फिर से म म रे म प नि प नि सा नि रे सा। धन मुरली श्याम श्याम बजा
श्याम बजाई रे धन धन वृंदावन धन धन गोकुल। इसको दुगुन लय में गाते हैं तो और भी अच्छी लगती है। देखिए धन धन वृंदावन धन धन गोकुल जमुना के तट पर कदम की छाई रे धन धन वृंदावन धन गोपी ग्वाल बाल धन श्याम बजाई रे धन धन वृंदावन धन धन गोकुल। ये बहुत ही बढ़िया सी ध्रुपद की बंदिश है चौताल में। आप जरूर इसे तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। वोकल वाले भी इसे कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी बंदिश है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही कर लीजिए, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी ट्यूटोरियल यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आभार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।